हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ असीम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ये पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको इस चैनल पर बहुत अमेजिंग और बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोज मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार इज अ थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक रिवर्सल पैटर्न है और ये एक बुलिश सिग्नल हमें बताता है। लेट्स सी कि बनता कैसे है। इसमें तीन कैंडलस्टिक्स होती हैं। पहली कैंडलस्टिक शुड बी अ बिग कैंडल एंड ये रेड कैंडल होगी। जो सेकंड कैंडल है वो एक छोटी कैंडल होगी और ये डोजी भी हो सकती है। एंड जो थर्ड कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल होगी और ये भी बड़ी कैंडल होगी। जो सेकेंड कैंडल है वो एक डोजी हो सकती है, वो एक छोटी कैंडल हो सकती है, या फिर उसकी एक लार्ज विक हो सकती है। सेकेंड कैंडल में गैप डाउन भी हो सकता है। ये तीनों कैंडल्स का जो फॉर्मेशन जब साथ में होता है उसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। द सेकेंड कैंडल जो है वो इनडिसिशन दिखाती है मार्केट में, और जो थर्ड कैंडल है द ग्रीन कैंडल वो बुलिश सिग्नल दिखाती है। इसलिए ये एक कन्फर्मेशन सिग्नल हो जाता है कि ये बुलिश पैटर्न है। इस पैटर्न के क्या एडवांटेजेस हैं? पहला एडवांटेज कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब कि आपको अपना स्टॉक बहुत ही लो प्राइस पे मिल जाता है। और दूसरा इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट है कि आपको जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कम लगाना पड़ता है। फाइनली ये एक रिस्की पैटर्न भी हो सकता है, इसलिए हम इसमें वॉल्यूम का काफ़ी यूज़ करते हैं। हमें चाहिए कि जो वॉल्यूम है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाए। इसका मतलब जो रेड कैंडल था उसका वॉल्यूम कम हो, जो डोजी था उसका वॉल्यूम उससे ज़्यादा हो, और जो फाइनली जो ग्रीन कैंडल थी उसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो। अगर ऐसा होता है तो हमें ये थोड़ा और कॉन्फिडेंस देता है कि हम ये वाला पैटर्न ट्रेड करें। फाइनली इसको हम एक्चुअली अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि RSI एंड बोलिंजर बैंड्स। सो लेट्स गो, लेट अस सी कि ये कैसे पैटर्न बनता है मेरे लैपटॉप पे। आइए तो अब देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक्चुअली चार्ट्स पे कैसा दिखता है। ये मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें हमें 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। आप ये पैटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो जैसे कि देखें, ये तीन कैंडल्स जो हैं ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। इसका रीज़न, पहला रीज़न, क्योंकि हम ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे। तो पहला चीज़ हमारी करेक्ट है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सेकंड थिंग, हमारी जो थ्री कैंडल फॉर्मेशन है वो ठीक बनी है। इसका मतलब पहली कैंडल बिग रेड कैंडल है, सेकेंड कैंडल एक छोटी कैंडल है जिसकी बॉडी छोटी है, और थर्ड कैंडल जो कन्फर्मेशन कैंडल है वो अगेन एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। अगर ऐसी फॉर्मेशन होती है तो मैं इस कैंडल के क्लोज पे बाय कर सकता हूँ जो कि है 17243 का। मैं अपना स्टॉप लॉस इस छोटी कैंडल के लो का, विच इज़ 17203 पे लगा सकता हूँ, क्योंकि ये एक तरह का स्विंग लो है। तो मेरा टोटल रिस्क इस ट्रेड में 40 पॉइंट्स है। अगर आप देखें, ये टोटल हाई प्राइस इसका 17314 गया था, विच इज ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स। इसका मतलब ये ट्रेड हमें 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में मिल जाता। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंड कैंडल है उसका कलर रेड भी हो सकता है और उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि जो इससे पहले फर्स्ट कैंडल है वो रेड हो और जो थर्ड कैंडल है वो ग्रीन हो। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड था, सो आर फर्स्ट कंडीशन हमारी ठीक हो गई। फिर इन तीन कैंडल्स को हम एक मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कैंडल बिग रेड कैंडल है, सेकंड कैंडल इससे छोटी है जिसकी बॉडी छोटी है क्योंकि यहाँ पे इनडिसिजन है, और थर्ड कैंडल जो कि कन्फर्मेशन है वो एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। अगेन मैं इसके क्लोजिंग पे बाय कर लूँगा, विच इज़ 17517। मेरा स्टॉप लॉस इसके लो पे होगा जो कि करीब 40 पॉइंट्स दूर है,
और इस ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता था क्योंकि इसका हाई 17634 गया है। तो इस ट्रेड में 1:3 का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलता। मैं काफ़ी बार इस पैटर्न को इंडिकेटर्स के साथ क्लब कप करके भी ट्रेड करता हूँ, स्पेशली बॉलिंजर बैंड्स। तो आइए मैं आपको बॉलिंजर बैंड्स के साथ दिखाता हूँ कि ये और कितना स्ट्रांग हो जाता है पैटर्न। हमने बॉलिंजर बैंड्स लगा दिया है और मैंने बॉलिंजर बैंड्स की सेटिंग जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो ही रहने दी हैं। अब इसमें हम तब ट्रेड करेंगे जब हमें जो हमारा पैटर्न है वो नीचे वाली जो बॉलिंजर बैंड की लाइन है उसको टच कर रहा होगा। तो अगर आप फिर से देखें, ये जो तीन कैंडल्स का पैटर्न बन रहा है इसमें हमारी सारी कंडीशन मीट हो रही हैं। हम पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे, उसके बाद हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न आया और थर्ड कंडीशन हमारा जो सेकेंड कैंडल है उसने बॉलिंजर बैंड्स के लोअर बैंड को टच किया हुआ है। अगेन हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस इसके नीचे और हम आराम से इस पूरे के पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक दो और एग्जांपल्स। इस एग्जांपल में अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का मॉर्निंग स्टार है क्योंकि ये रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई। बट क्योंकि मेरी ये कैंडल जो सेकंड कैंडल है इसने बॉलिंजर बैंड्स को नहीं टच किया है तो मैं इस वाले ट्रेड को अवॉइड करूंगा। एंड जैसे कि आपने देखा कि इस ट्रेड को हमें अवॉइड करने से फ़ायदा हो गया बट क्योंकि हमारा इसमें स्टॉप लॉस लग जाता। तो ये अगर आप कोई बॉलिंजर बैंड या RSI ऐड कर लेंगे अपने इस पैटर्न के साथ तो डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर हो जाएंगे, आपके स्टॉप लॉसेस कम हो जाएंगे और आपके टारगेट्स ज़्यादा लगने लगेंगे। तो आज जैसा कि आपने देखा हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार देखा और कैसे इस पैटर्न को हम और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बॉलिंजर बैंड के साथ, जिसके साथ अगर हम ट्रेड करें तो हमारे काफ़ी परसेंटेज ऑफ ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आपको ये पैटर्न और ये कैंडलस्टिक्स पसंद आए तो मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू इट। एंड अगर आप कोई और वीडियोस हमसे चाहते हैं बनवाना तो डेफिनेटली प्लीज कमेंट। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.